फैसलाबाद के नज़दीक एक गाँव में उधर के रहने वाले। मेरे मियाँ को 10 साल हो गए फौत हुए। इस गांव में आई मदद के लिए, लोगों ने मेरी मदद करते रहे हैं। लेकिन जो हमारे सामने है ना, 2 चाचा 7 भाई, 1 चाचा है उसका, हमारी दीवार के साथ नेट लगा लिया, तो हम लोग लोगों ने मना किया तो वो मना नहीं हुए, वो तंग करते थे। हमारी मीटर से तारें लगा के वो खेल के एक तार नीचे छोड़ जाते थे, एक ऊपर लगी रहनी देती। मैंने कहा बच्चे छोटे 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 खेलते हैं, वो लोग नहीं माने। एक उसका भाई है और 2 चाचा 7 भाई, उन लोगों ने आके मेरे साथ ज्यादा की, इसी वजह से भी तू मना क्यों किया। तो मैंने मना किया, उन लोगों ने किसी से बात नहीं करनी, जो हुआ इसे भूल जाओ। दिन सुबह के वक्त आए हैं फिर दोबारा हमें धमकाने के लिए, भी किसी को बताओगे तो आप जानते नहीं हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने दो तीन दिन के बाद मैंने किसी को बताया, उन लोगों ने मुझे देख लिया जाते हुए। उसके बाद उन लोगों ने मेरी बच्चियों को भी बर्बाद कर दी। हमें 1 महीना नहीं निकलने दिया घर से। आपके घर पे आगे रहते रहे? किसी तरह भी जाए वो लोग सामने ही होते थे। रमजान का महीना हमारे लिए अजाब का गुजरा। उसकी ईद के बाद भी जब जी चाहे उन लोगों का वो आ जाए। तो आपने वक्त उस वक्त फौरन किसी पुलिस से या किसी और इलाके के बड़े से बात नहीं? बता तो रही हूँ, बताने का ही तो नतीजा मिला है, बाद में बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो। उसके बाद उन लोगों ने नहीं निकलने दिया किसी साइड पे, सब थाना सब कुछ उन लोगों का। फैसलाबाद की बासर शख्सियात के हाथों जिंसी तशद्दुद का शिकार होने के बाद ये दुखियारी औरत और उसकी बेटियां इंसाफ मांगने के लिए कानून के दरवाजे पर भी गईं, लेकिन दौलत की परस्तिश करने वाले पुलिस अहलकार इनके रास्ते में आ गए। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जहां भी गए उन लोगों ने पैसे दे, कुछ नहीं किया उन लोगों ने हमारे साथ। हम कहते कुछ है, वो लिखते कुछ है। FIR जो दर्ज करवाई वो भी उन लोगों ने गलत कर दी, पुलिस वालों ने। हम बच्चों को लेकर मैं अपनी बाजी के घर फैसलाबाद चली गई, वो लोग उधर भी आ गए। बाद में मेरी बाजी ने मुझे घर से निकाल दिया। हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, जिधर जाना चाहो चली जाए, हम इन लोगों से नहीं कुछ कर सकते। सिकंदर का बाप है जो, उसने तो सिर्फ मेरे साथ ज्यादती की है, जो दूसरे उन लोगों ने मेरी बेटियों के पेड़ कुछ नहीं सोचा। बहुत मिंदे की इस जिंदगी से, तो हमें मार जाते तो वो बेहतर। फैसला बात किसी ने नहीं हमारी सुनी। इसी तरह धमकियां देते, अब कितनी देर मरोगे, कभी तो हमारे आता होगा। ढूंढते फिर रहे हमें, इधर भी फोन आते हैं। आगे क्या सोचा आपने, इसको क्या करेंगे, केस लड़ेंगी या? केस लड़ेंगे, इंशाल्लाह केस लड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं इंसाफ से हूँ, ना मिला तो मर जाऊंगी बच्चों को ले। अफसोसनाक बात यह है कि जुल्म व सितम और जबर व तशद्दुद की ये दास्तान फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में सरेआम हुई। आइए अब वतन अजीज की उन बेटियों से मिलते हैं जिन्हें इलाके के बासर अफराद ने बर्बाद कर डाला। कितना पढ़ी हुई हैं आप? 8th क्लास में हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। उन्होंने हमारे बाहर मीटर पे नेट लगाए हुए थे मीटर से, तो मामा ने कहा कि यहाँ से आप लगाते हो, एक तार मीटर में रहने देते थे, एक भाई निकाल देते थे। मामा ने कहा मुझे सोच लगा के दे दो या फिर ऐसे बच्चे के नुकसान हो सकता है बिजली का, तो वो नहीं माने और उन्होंने उल्टा मामा को गालियाँ देना शुरू कर दी। बाद में वो रात को आके उन्होंने मामा के साथ बदतमीजी की है। बाद में मामा रोती रही, दूसरे दिन उन्होंने भी हमारे साथ भी किया है। दिन को उनके चाचा आए थे, हम उस दिन स्कूल गए हुए थे, फिर उन्होंने भी मामा के साथ किया।
जब दिल चाहता था उसी वक्त आ जाते थे। पुलिस वालों ने भी हमारी कोई मदद नहीं की, तीन तीन चार चार घंटे हमें वहाँ पे रखते थे, कोई मदद नहीं करते थे। क्या कहती पुलिस, क्या कहती थी आपको, केस क्यों नहीं आपका रजिस्टर? वो कहते थे अभी करते हैं, तफ्तीश हो रही है, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। उन्होंने बस टर्म टोल में ही काम लिया, हमारी कोई मदद नहीं उन्होंने की। औरत ना हुई जंगली हयात हो गई कि जिसका जब जी चाहा जहां जी चाहा शिकार खेल लिया। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कभी कभी ये बात किताब में रखे हुए बासी फूल की तरह लगती है। क्योंकि कानून अगर सबके लिए बराबर होता तो इन यतीम बच्चियों और बेवा औरत की इज्जत लूटने वाले बासर मुजरिम आज खुलेआम ना फिर रहे होते। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये बासर लोग कौन होते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ओढ़ते हैं, और किसके सर पर इतने बासर हो जाते हैं कि लोगों की इज्जतें लूटने के बावजूद मुआशरे में इज्जतदार बनकर दंदनाते फिरते हैं। दूसरी तरफ जुल्म की बात यह भी है कि हमारे यहाँ जिस औरत की इज्जत लूट ली जाए पूरे मुआशरे के लिए वो एक सवालिया निशान बनकर रह जाती है। ना उसे मेका पूछता है ना ससुराल, ना मुआशरा मुँह लगाता है और ना ही मुआशरे का ठेकेदार। हमें जराइम की सज़ाएँ तजवीज़ करने के साथ साथ अपने मुआशरती रवैयों पर भी गौर करना होगा ताकि इस तरह के जराइम कम से कम रूनमा हों। आइए अब हव्वा की उन बच्चियों से मिलते हैं जिन्हें आदम के बेटों के दिए हुए जख्म अभी ताज़ा हैं। अगर आप औरत पर होने वाले तशद्दुद को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।